राजस्थान का एक बड़ा चेहरा जो अमूमन टीवी डिबेट समाचार पत्रों की हेडिंग या अनशन पर युवाओं के साथ देखा जाता है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव राजस्थान में बेरोजगारों और युवाओं की आवाज उठाने वाला एक चेहरा है जो हमारे साथ आज नगरी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। आइए जानते हैं कैसा उनका भविष्य है, राजनीति में उनका क्या आगे का प्लान है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि आप किसान परिवार से आते हैं तो एकदम से आपने राजस्थान में अपना आगमन किया और युवाओं के लिए लड़ाई शुरू करी उनके हक के लिए, तो वो कैसे शुरू आपका सफर? मैं खुद भी भीलवाड़ा में डीएलएड कर रहा था, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था। जब सिस्टम को समझा कि कैसे भर्ती अटक जाती है, कोर्ट में अटक जाती है, पेपर लीक हो जाती है, कैसे उनका दर्द को जाना, मैं करीबी से दर्द जानता हूँ। अभी भी मैं कर्मचारी चयन बोर्ड से आया हूँ, हर युवा से मिलता हूँ। राजस्थान का एक नेता नहीं होगा, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, कोई ये बता दे कि राजस्थान में कितनी भर्तियां चल रही, क्या स्थिति है, मैं बता सकता हूँ बिना देखे, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूँ। उनका दर्द को देखकर सिस्टम के सुधार के लिए इस संघर्ष के मैदान में मैं कूदा। पिछले 11 साल 7 महीने से लगातार संघर्ष जारी है। 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब मिली है। इस दौरान कई बार लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, षड्यंत्र का शिकार हुआ, अनशन किया, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी राजनेता का बेटा नहीं, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं, एक किसान का बेटा हूँ, एक सामान्य परिवार से आता हूँ, लेकिन लाखों युवाओं का भला हुआ और आज उनकी दुआएं मेरे साथ है। जब संकट आता है तो संकट से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि उन लाखों युवाओं के माता पिताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है और उम्मीद करता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर मैं चला हूँ वो लक्ष्य भी पूरा होगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को न्याय मिले, जिसको लेकर लगातार मेरा संघर्ष जारी है। जैसे आपने बताया कि आप कई बार आप बाहर गए, आप जेल गए, उसके अलावा आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों की तरफ से आपके साथ आपको जेल भेजा गया, आपको घर के अंदर बंद करवाया गया, तो आप कैसे डील करें उन चीजों को? सत्यमेव जयते। संघर्ष यदि सत्य पर आधारित है तो चाहे जेल में डालिए, चाहे लाठी बरसाइए, चाहे षड्यंत्र करिए, वो कभी भी सत्य के सामने जीत नहीं सकते, क्योंकि लाखों युवा उनका साथ था, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद था। मुझे आज भी याद है कि 19 नवंबर 2022 में जब मुझे षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, 10 दिन में जेल रहा, लेकिन वापस आया और मैंने 11 रैलियां ताबड़तोड़ जोधपुर से लेकर अन्य जिलों में की और हजारों की संख्या में युवा उमड़े और आज एक छोटे से ट्यूब पर लोग पहुंच जाते हैं और बड़ी संख्या में युवा पहुंच जाते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों को भी इस क्षमता का पता है कि आने वाले चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी और लगातार मैं यही कह रहा हूं कि इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। इसलिए युवाओं को कोई भी राजनीतिक दल अनदेखा न करे, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनका घोषणा पत्र तैयार करे कि पेपर लीक को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों को लेकर क्या कार्य योजना है, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, नई भर्तियां, इन सबको लेकर युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, क्या उनकी योजना है, वो स्पष्ट करें। इसको लेकर हमने अभी 2 अक्टूबर से युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, युवाओं से संवाद कर रहे हैं और अलग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करके उनसे जानेंगे कि क्या हम लोग उनके साथ आते हैं तो वो युवाओं के लिए क्या करेंगे, क्या कार्य योजना है। वर्तमान सरकार के पास भी 5 दिन का समय है, 5-6 दिन में या 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। क्या युवाओं की जो लंबित भर्तियां, प्रक्रियाधीन भर्तियां, नियम संशोधन के जो मामले हैं, नई भर्ती के मामलों को हल कर पाएंगे, युवाओं की मांगों को पूरा कर पाएंगे? जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुलाकात कभी भी हो सकती है। वहीं अन्य नेताओं से मुलाकात करके इस बार हम जो निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत है, पहले 2 विकल्प थे, बीजेपी कांग्रेस, अब आरएलपी भी है, आप भी है, नोटा भी है, बहुत विकल्प है, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लेंगे, क्योंकि इसमें इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। अब इसी में से एक सवाल मैं निकालती हूँ आपका, कि सुनने में आया है कि शाहपुरा से आप विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 11 साल 7 महीने मैंने संघर्ष किया, मेरे लिए तो पूरा राजस्थान है जी, और मैंने पहले भी कहा है, अभी तक मेरा एक ही लक्ष्य है, आचार संहिता तक उन युवा बेरोजगारों की जो लंबित भर्तियां हैं, जिनकी विज्ञप्तियां जारी होनी है, नई भर्तियां हैं, जिनके नियम संशोधन होना है, मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा ज्यादा युवाओं को राहत मिले। जिन्हें आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जिन एमएलए को जनता युवा चुनकर भेजते, सांसद को नेताओं को चुनकर भेजते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी थी युवाओं के भविष्य की लड़ने के लिए। एक भी राजनेता नेता नहीं बोल रहा, सब लड़ रहे हैं अपने टिकट के लिए, अपने भविष्य के लिए। कोई बोल रहा है कि नई भर्तियों की जो घोषणा की थी उनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पा रही, लंबित भर्तियां, उनका परिणाम, एग्जाम, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो, कोई नहीं बोल रहा मेरे अलावा। मैं किसान का बेटा, उनका दर्द जानता हूं और आचार संहिता तक युवाओं के लिए मैं लड़ूंगा और आचार संहिता के बाद हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम जारी है कि चुनाव, मैं तो चाहता हूं हर युवा है जो समझदार है, जो इनसे बेहतरीन साबित हो सकते हैं, वो चुनावी दंगल में आना चाहिए
और मेरा जो निर्णय है वो आचार संहिता के बाद हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 200 MLA में मुझे नहीं लगता 180 के करीब MLA को तो यही नहीं पता कि DOP सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, पंचायत राज सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, समाज कल्याण विभाग कहाँ है, पंचायत राज विभाग कहाँ है, उनको यही पता नहीं तो क्या कल्याण कर पाएंगे। ऐसे में उन युवाओं को आगे आना चाहिए जो फाइलों के पीछे भाग सके, अधिकारियों से मिल सके, लड़ सके, युवाओं को अधिकार दिला सके। 11 साल 7 महीने मुझे ये अनुभव प्राप्त किया है कि कैसे लोग भर्तियों को रोक देते हैं, कैसे फाइलें कहाँ अटक जाती है, कैसे निकलवाना पड़ता है, क्या प्रयास करना पड़ता, विज्ञप्ति जारी करवाने से लेकर एग्जाम होने तक, परिणाम जारी करवाने से, ज्वाइनिंग होने तक हर युवा के लिए हमने संघर्ष किया है। लेकिन अब चुनौतियां राजनीतिक दलों के पास भी है, सरकार के पास भी है, क्योंकि 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है जिनकी बड़ी भूमिका होगी। यदि 50 लाख बेरोजगारों से एक व्यक्ति से 5 लोग जुड़े होते हैं तो 2.5 करोड़ के करीब ये वोटर्स हैं जो दलों की समीकरण बदलने का काम करेंगे कि सत्ता में किसको लेकर आएंगे। एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस सत्ता में, और इस बार भी जिधर युवा जाएंगे वही सत्ता में पार्टी आएगी। अब उन राजनेताओं को, वर्तमान सरकार को, सबको सोचना है, विचार करना है कि वो कैसे बेहतरीन युवाओं के लिए कर सकते हैं। उनके सामने चुनौती भी है, अब उन चुनौती से कैसे पार हो पाते हैं, क्योंकि युवा समझदार है, फुटबॉल नहीं है। इस बार युवा रोजगार, पेपर लीक और बेरोजगारी के जैसे मुद्दे पर वोट करेंगे। लेकिन जैसे सुनने में आता है कि अशोक गहलोत जी सोचते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी सोचती है कि आप गहलोत कांग्रेस सरकार के एजेंट हैं, तो उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे? और जैसे आपने बताया कि आप विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, युवा संवाद कार्यक्रम चलाएंगे, उसमें कांग्रेस के कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरह से युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम में युवाओं से मुलाकात करके हम योजना बना रहे हैं कि हमें समर्थन किसको देना है, वर्तमान सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, हमारी जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को कैसे बचाया जाए, यदि चुनावों में क्या स्थिति रहती है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, समर्थन किसको देना चाहिए, जो कई भर्तियों का नियम संशोधन होना है, क्योंकि विज्ञप्तियां जारी होनी है, तो हम ये परिस्थिति के अनुसार किसको समर्थन देना है, किसके साथ जाना है, कौन बेहतरीन है युवाओं के लिए, इनकी क्या कार्य योजना है, उनसे मिलकर नेताओं से जानेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। रही बात, न मेरी पार्टी बीजेपी है ना कांग्रेस, मेरी पार्टी मेरी युवा है, खुला लड़ता हूँ। खुला 5 साल बीजेपी सरकार में लड़ाई लड़ी, कई बार जेल जाना पड़ा, लाठियां खाने पड़ी, और कांग्रेस सरकार में खुली लड़ाई, चाहे उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, चाहे गुजरात जाना पड़ा, युवाओं के लिए मैं लड़ा हूँ, युवाओं के लिए मुझे जेल जाना पड़ा, जेल गया हूँ, अनशन करना अनशन किया, लेकिन मैं कभी पीछे हटा नहीं, न डरा न झुका, अंतिम सांस तक लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूँ, जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ। कभी मैंने युवा बेरोजगारों के हितों के साथ गलत नहीं होने दिया, आज भी लड़ रहा हूँ। लेकिन कई बार परिस्थितियां होती है कि काम करवाने के लिए परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ढलना पड़ता है, कहीं नरम तो कहीं गरम। बिल्कुल, आप जैसे अपना बताया कि आप यूपी भी गए, तो उस समय 2021 का नवंबर दिसंबर था जब आप किसी अनशन पे थे, तो जिस समय आपको यूपी जाके प्रियंका गांधी से मिलना पड़ा, तो वो क्या मुद्दा था? हाँ देखो, वो तो इतिहास को पन्नों में रहेगा। 18 जून 2021 की बात है, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ऐलान किया था कि हम कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालेंगे, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकालेंगे, 10,000 से ज्यादा पदों पर ऐलान कर दिया, संविदा पे निकालेंगे। उस दौरान उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, प्रियंका गांधी जी ने वहां एक बयान दिया कि संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं का अभी एक तरह से अपमान है, अपमान। यहाँ हालांकि मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात की, रीट 2016 और 2018 की SLP सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर सूची निकाली, 2018 की तीसरी बार सूची निकाली, यानी कि CM ने मेरी मांग को मानते हुए युवाओं को खुशियां दी। उस समय 1-2 मांग मेरी पूरी हो गई, अचानक संविदा का निर्णय हुआ, और इन 2 मांगों के लिए मैंने CM साहब के हमने हाथ जोड़े, साहब मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी मांग पूरी करी, उन्हें मेरी बात मानी। अब वो लड़के मेरे पास आए संविदा वाले की संविदा का हम विरोध करते हैं, और राजस्थान में इतिहास में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आ रही थी। मैंने कहा मैं भी तो CM से काम करवाया, मैं कैसे बगावत कर सकता हूँ, मैंने कहा मेरी इज्जत का सवाल है। उन लोगों ने कहा कि हम दिल्ली जाके बॉर्डर पर बैठ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा आप जाइए, वो वहां संघर्ष के लिए बैठ गए। जून का महीना था, उनकी हालत गंभीर होगी। इस दौरान मैं शिक्षा मंत्री से, CM, तमाम अधिकारियों से मिला, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल गवाह नहीं दे रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा था। मुझे आज भी याद है कि मैं 12 जुलाई को उनके बीच में पहुंचा, 13 जुलाई को रात को, जब 13 जुलाई को 12 को मैं पहुंचा, 12 को रहा, 13 को रहा, अब 14 जुलाई को रात को उन्होंने जबरदस्त मेरा जन्मदिन मनाया, क्योंकि मेरा जन्मदिन था। मैंने देखा 5 किलो का केक काट रहे हैं, ये लोग मुझे इतना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे जन्मदिन इतना बेहतरीन बना रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं इनको गिफ्ट देना चाहिए थी। मैंने संकल्प लिया, मैं 14 जुलाई को जयपुर आता हूँ, 14 जुलाई को आके यहाँ रक्तदान शिविर था,
15 जुलाई को कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदर्शन था और मैंने ऐलान कर दिया कि हम 16 जुलाई को हम उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचेंगे। वहां से मैं 15 तारीख को यहां से वापस लखनऊ के लिए चले। 50 से 55 लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो लंबी स्टोरी पूरी तो नहीं बता पाऊंगा, तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने हमारे हम साथियों को पीटा, कई के सिर फूट गए, कई बक गए, तो बहुत कुछ लगा, बहुत कुछ दर्द हमने सहा। उनको कह दिया कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। और फिर हमारे 20-22 लोग बचे, काफी लोग आ गए, उन्होंने ये धमकी दी कि आपको गोली से मार दिया जाएगा। लेकिन मैंने संकल्प ले लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से, मेरी चाहे मौत हो जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अब ये था कि हमारे लोग जा रहे थे, 22 लोग बचे, 22 लोग कह रहे कि हम भी चले जाएंगे। मैंने साफिया जुबेर खान, जो MLA है, जुबेर खान की वाइफ है, उसको फोन किया कि यदि प्रियंका गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि आपके पति ने हमें कार्यालय में बिठाया था, मुलाकात नहीं हो पाई तो उपेन यादव कांग्रेस कार्यालय लखनऊ के बाहर आत्महत्या करेगा। फोन करके मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा, और वही धीरज गुर्जर जी को भी कहा कि धीरज जी आपने मुलाकात नहीं करवाई, हम आपका विरोध करेंगे। और ये मैंने कदम उठाया। और फिर दूसरे दिन प्रियंका गांधी से 12 बजे मीटिंग हुई और प्रियंका गांधी जी के सामने मैंने बात रखी कि उन्होंने कहा कि आप सीएम से क्यों मुलाकात नहीं कर पाए। मैंने कहा सीएम साहब से बीमार है, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना है। प्रियंका गांधी जी ने तत्काल निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जी ने 23 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई स्पेशल, उसको संविदा से स्थायी भर्ती की घोषणा की और 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आ गई और भर्ती आकर एग्जाम होकर परिणाम होकर और वो सारे लोग संविदा से स्थायी भर्ती पर आज नौकरी कर रहे हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी कैडर बन चुका, नियम संशोधन हो चुके, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी। इनकी संविदा से स्थायी भर्ती करवा दी और नौकरी भी दिला दी। एक ऐतिहासिक, ये हमारा संघर्ष की ऐतिहासिक जीत। अब जैसे ऐसे कई उदाहरण, एक उदाहरण आपको, कई उदाहरण है। 11 आप राहुल गांधी से भी मिले थे, राहुल गांधी जी से भी आपका किसी बात को लेके मुलाकात हुई थी आपसे, उनकी जिस भी निर्णय को आप लेके मिले वो क्या था? 2018 में जब चुनाव थे तो राहुल गांधी से मैंने भीलवाड़ा मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात के बाद ही हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था। कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन दिया था कि हम कांग्रेस को साथ देंगे। उन्होंने वादा किया था कि युवाओं के साथ न्याय होगा जी, तो उस समय समर्थन दिया था। कई मांगे पूरी है, कई मांगे अधूरी है, जिसको लेकर आक्रोश है। और मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पर, कांग्रेस सरकार ने कई काम अच्छे किए, कई हमारी मांगे पूरी की है और अच्छी मांगे की है तो हमने धन्यवाद भी दिया। लेकिन 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार कांग्रेस सरकार से नाकुश इसलिए है, जो 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा की थी। करीब 21,000 पे चिकित्सा विभाग में तो निकाल दी और 13,000 कह रहे हैं कि हमने सफाई कर्मियों को निकाल दी, लेकिन जो 70,000 के करीब भर्तियों की व्यक्तियां जारी नहीं हो पाई, क्या दिन भर्तियां लंबित है, अधिकारियों की लापरवाही से युवा आक्रोश है। यदि 5-6 दिन में सरकार कुछ नहीं कर पाती तो ये 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों का आक्रोश कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि युवाओं की अनदेखी नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि ये मैंने हमेशा कहा है कि इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी और युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी, इसलिए 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों को कांग्रेस सरकार अनदेखा न करे। अब जैसे आपने बताया कि युवा के हाथ में जीत की चाबी रहेगी, एक मूवी आई थी युवा करके जिसमें विवेक ओबराय थे और अजय देवगन थे, उसमें भी ये दिखाया था कि सदन में वो जाते हैं और वही मतलब युवा जाते हैं और पूरी लड़ाई लड़ती है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि बीजेपी का समर्थन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आप जिनसे कांटेक्ट में हैं या जिनसे भी आपका समर्थन आपने दिया लास्ट कांग्रेस को दिया, में युवाओं के संपर्क में जैसे आपने कांग्रेस जीत की चाबी है उनके संपर्क में। अच्छा, और आपको कितना लगता है कि अगर आपको किसी और को भी खड़ा करना पड़ा अपने साथ साथ कहीं और से, तो आप किसको खड़ा करेंगे? देखो, पहले फिलहाल तो ये कि लक्ष्य आशासीता तक ज्यादा युवाओं को काम करें, उसके बाद सोचेंगे, विचार करेंगे। युवा संवाद कार्यक्रम इसीलिए रखा है कि हमें क्या करना चाहिए जी। और फिल्म युवा क्या, हमने भी दास्ता ये बेरोजगार 2016 में मैंने फिल्म बनाई थी, उसका डायरेक्टर भी मैं था, हीरो भी मैं था। मैंने वो फिल्म जो बनाई थी, आज वो फिल्म में जो मैंने दिखाया वो आज हो रहा है। 2016 में जो मैंने दिखाया उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। और उस सिस्टम में सुधार के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आचार संहिता के बाद उस सिस्टम के सुधार के लिए हमें उचित कदम उठाना की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम सब मिलकर उठाएंगे, लेकिन निर्णय आचार संहिता के बाद लेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा युवाओं का अच्छा हो, युवाओं की ज्यादा ज्यादा मांगे पूरी। अच्छा, एक और मेरा सवाल आपसे है, एक आखिरी, कि 2013 में आपने बीजेपी का साथ दिया तो बीजेपी सरकार आई, आपने जैसे पहले में बताया, और 2018 में आपने कांग्रेस साथ दिया, तो 2013 में ऐसा बीजेपी ने क्या नहीं किया जिस वजह से आप रुष्ट हुए, उनसे नाराज हुए कि आपको कांग्रेस का साथ देना पड़ा? उस समय कई भर्तियां कोर्ट में अटक गई थी, कुछ पेपर लीक भी हुए थे और शायद समन्वय की भी कमी थी और लगातार हम प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार लाठीचार्ज हो गए, तो यौम आक्रोश जी, तो कई जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं हो पाए, जैसे रीट
आर्टेट था उस समय, वो पात्रता परीक्षा का बड़ा मुद्दा बना था। अब रीट पात्रता का इनके लिए बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा नहीं करा पाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीईटी वाले कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए भी गंभीर परिणाम साबित होंगे उस मुद्दों को लेकर, क्योंकि अनुभव मुझे है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से यदि कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 11 साल और 7 महीने मैंने संघर्ष किया, युवाओं की असली समस्या को मैं जानता हूं, उनका निराकरण भी जानता हूं। एसी में बैठने वाले अधिकारी नहीं जानते कि उनकी समस्या का निस्तारण कैसे हो सकता है, खुश कैसे हो सकते हैं। कई ऐसे मामले तो बिना बजट के जो राज्य सरकार चाहे जो कर सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कई मांगों को पूरा किया, हमने धन्यवाद भी दिया, लेकिन कई ऐसे मांगे जो पूरी हो सकती है लेकिन उन तक नहीं पहुंची। तो ऐसे में मैं इतना बता सकता हूं कि युवाओं का बड़ा रोल रहेगा और उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे उपेंद्र यादव। हमने उनसे जाना कि भविष्य में वो किस सरकार में जा सकते हैं, कैसे उनको ज्वाइन कर सकते हैं और युवाओं को कितना योगदान रहेगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।